हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीटी मैक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पीलीभीत स्टेशन की वर्क की अपडेट लेकर आए हैं। जो नया काम हो रहा है, छोटा छोटा काम जो कई जगहों पर हो रहा है, कई जगहों से इस वीडियो में हमने अपडेट देने की कोशिश की है। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर जो बेल्डिंग से ट्रैक जोड़ी जा रही है उसका काम हो रहा है। इसके आगे भी दोस्तों जो काम हो रहा है सब इस वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को दबा लें आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, हम इस टाइम पीलीभीत से जो टनकपुर और श्यामपुर और मैलानी की तरफ जो रूट जाता है उस साइट में हम खड़े होकर ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये सामने दोस्तों यहाँ पर केबिन था पहले, आपने इस केबिन के ऊपर मैंने कई वीडियो डाली हैं बनाकर। ये केबिन तोड़ा जाएगा, ये ऊपर साइड में मैंने इसका एक छोटा सा वीडियो जो पुराना है वो भी लगा दिया, वहाँ से देख सकते हैं। पहले ऐसा केबिन था दोस्तों जैसी जो ऊपर वीडियो चल रही है, फिलहाल ये अब इसको तोड़ दिया गया। सामने एक ये नई बिल्डिंग दोस्तों बनाई जा रही है, इसके बराबर में कंट्रोल पैनल रूम है और ये एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये बिल्डिंग किस लिए बनाई जा रही है और जो सामने क्रॉसिंग है उसकी भी पूरी अपडेट देंगे। और सामने दोस्तों टनकपुर और पूरनपुर और शाहजहाँपुर के ट्रैक की अपडेट देंगे। फिलहाल इसके बारे में जान ली। ये सामने जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है दोस्तों, ये जो है ट्रॉली, जो मोटर ट्रॉली है उसके रखरखाव के लिए बनाई जा रही है वो बिल्डिंग। दोस्तों, सामने हम इसका व्यू दिखाएंगे। फिलहाल हम इस टाइम बरा क्रॉसिंग के पार आ चुके हैं, जो जहाँ से ये ट्रेन ट्रैक निकल कर गई वहाँ से हम जो दोस्तों सामने बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये मोटर ट्रॉली की बिल्डिंग बनाई गई है। ये जो पुरानी बिल्डिंग थी मोटर ट्रॉली की वो भी हम दिखाएंगे, वो भी कुछ दिनों में अभी तोड़ी जाएगी। आगे आने वाली वीडियो में हम वो भी दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से ट्रैक की जानकारी ले लेते हैं। ये सीधी ट्रैक दोस्तों मैलानी और पूरनपुर वाली है और ये सामने दोस्तों ये मैलानी पूरनपुर की तरफ रोड गया हुआ है और राइट साइड में घूमकर ट्रैक गई है श्यामपुर की तरफ मैलानी की ट्रैक पर। दोस्तों, अभी जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी जितना काम हुआ है उतना ही काम हुआ, मैं आगे देख कर आया, इसलिए आगे की कोई अपडेट मैं नहीं दे रहा हूँ। फिलहाल यहाँ से दोस्तों नज़र डाल लेते हैं, जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं उस पर नज़र डालेंगे इस वीडियो में। ये नया केबिन बनाया गया है जो क्रॉसिंग को अपडेट करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर सारा काम हो चुका है और इस क्रॉसिंग को थोड़ा छोटा किया जा रहा है। जो इसके ब्रिकेडेड लगे हुए हैं क्रॉसिंग के, जो क्रॉसिंग को बंद किए जा रहे हैं वो भी थोड़े करीब किए जा रहे हैं। फिलहाल ये ड्रिल मशीन से छेद करता हुआ अर्थ की वायर के लिए दोस्तों ये करा जा रहा है। फिलहाल यहाँ से नज़र डाल लीजिए, केबिन है और सामने दोस्तों जो केबिन था वो टूटा हुआ है, उसकी वो इससे पहले आप वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम दिखाएंगे ये क्रॉसिंग जो है काफ़ी इसकी चौड़ाई थी बंद करने की, उसको थोड़ा छोटा किया जा रहा है, वो भी हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, पीलीभीत स्टेशन पर काफ़ी तेज़ियों में काम हो रहा है, छोटे छोटे काम बहुत हो रहे हैं। दोस्तों, अगर दिखाने जाएँ तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। यहाँ से देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर जी क्रॉसिंग को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम पीलीभीत जंक्शन की वर्क की अपडेट दें फुल तो लगभग एक घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत जगह पर छोटे छोटे से काम हो रहे हैं, कई जगहों पर काम किए जा रहे हैं पीलीभीत स्टेशन पर। मगर अगर हम ऐसे देंगे तो बहुत अपडेट लगेगा, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाकर दोस्तों देते हैं ताकि आप बोर ना हो सके। फिलहाल यहाँ से जो क्रॉसिंग की अपडेट है वो दे रहे हैं। ये क्रॉसिंग का जो पोल्स है दोस्तों, बैरिकेटेड बोलते हैं इसे, और आम भाषा में इसको दोस्तों फाटक बोलते हैं। इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, क्रॉसिंग को शॉर्ट किया जा रहा है दोस्तों यहाँ से, वो भी हम इस वीडियो में अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल देखिए, यहाँ से इसको दोस्तों हम दिखाएंगे कहाँ पर लगाया जाएगा अब, और दूसरी साइड में भी दिखाएंगे कहाँ पर लगाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों काफ़ी काम हो रहा है पीलीभीत स्टेशन पर और मैलानी से जो बीसलपुर की ट्रैक है और मैलानी की ट्रैक है दोस्तों, वहाँ पर भी काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन मैलानी की ट्रैक पर अभी कोई काम नहीं हो रहा। बीसलपुर की ट्रैक दोस्तों एकदम रेडी है, ट्रैक ट्रेन चलने का इंतज़ार है दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही है। संभावना जो है दोस्तों जनवरी में पीलीभीत से बीसलपुर तक की ट्रेन चलने की संभावना है। फिलहाल ये क्रॉसिंग है दोस्तों, यहाँ से आगे लेकर चल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से लगाया जाएगा पहला और दूसरा वाला दूसरी वाली साइड में हम आपको लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से नज़र डाल लीजिएगा, ये देखिए, ये सामने आपको पोल्स लगा हुआ दिखाया क्रॉसिंग बंद करने वाला, इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहाँ से जो केबिन था ये दूसरी वाली जगह पर हम आ गए हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिलहाल अभी और भी अपडेट है हम देते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये ट्रॉली बिल्डिंग है, जो ट्रॉली, जो मोटर ट्रॉली के लिए दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर मोटर ट्रॉली इसे बिल्डिंग बोलते हैं। दोस्तों, ये इसको यहाँ से तोड़ा जाएगा और इसको दोस्तों यही जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है
मोटर ट्रॉली के लिए है। दोस्तों ये कुछ चार शटर लगे हुए हैं, ये यहाँ से इसको हटाया जाएगा। सामने इससे पहले जो बिल्डिंग नई बन रही थी, इस बिल्डिंग को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ से हम देख ले रहे हैं, और ये राइट साइड में आपको पीलीभीत जंक्शन का टर्मिनल प्लेटफार्म नज़र आता हुआ, जो पुराना टर्मिनल प्लेटफार्म यहाँ पर टर्मिनेटेड प्लेटफार्म यहाँ पर ही था। दोस्तों ये देखिए, अब वहाँ पर भी ट्रैक डाल दी गई है। इससे पहले दोस्तों जो मीटर गेज के टाइम में यहाँ पर ही होता था टर्मिनल प्लेटफार्म। दोस्तों ये देखिए सामने आपको, मैं अभी जूम कर आपको दिखाता हूँ, ये माल गोदाम की बिल्डिंग थी और यहाँ से दोस्तों टर्मिनल प्लेटफार्म था। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, फिलहाल इस साइड से देख लीजिए, ये ट्रैक यहाँ पर डाली जा रही है दोस्तों। और वो सामने आपको कंट्रोल पैनल रूम की बिल्डिंग नजर आ रही है, ये बिल्डिंग ट्रैक्टर ट्रॉली रूम की है, इसको तोड़ा जाएगा। टर्मिनल प्लेटफार्म दूसरा वाला दोस्तों ये है, इस हिसाब से पीलीभीत स्टेशन का सबसे लंबा प्लेटफार्म ये है। प्लेटफार्म दोस्तों टर्मिनल प्लेटफार्म है, और स्टेशनों में मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े प्लेटफार्म में यही एक नंबर का प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। फिलहाल ये पीलीभीत जंक्शन का व्यू है, ये सामने दोस्तों माल गोदाम की बिल्डिंग है, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए पहले माल गोदाम की बिल्डिंग थी, यहाँ से टर्मिनल प्लेटफार्म पहले वाला था, और जो नया बन रहा है उसकी भी अपडेट हम अभी दे रहे हैं। देखिए हम वहाँ पर आ गए हैं, जो नया वाला टर्मिनल प्लेटफार्म बनाया जा रहा है पीलीभीत स्टेशन पर, ये एक नंबर प्लेटफार्म की दूसरी साइड में है दोस्तों, ये बरेली की साइड में है। इससे पहले जो हमने व्यू दिखाया था वो पीलीभीत की मैलानी साइड समझ लीजिए, या शाहजहाँपुर या फिर टनकपुर की साइड में है। फिलहाल ये टर्मिनल प्लेटफार्म पीलीभीत के प्लेटफार्म नंबर एक पर दोनों साइड से बनाए जा रहे हैं दोस्तों। पहले एक ही साइड में उधर था, जो मैलानी वाली साइड है टनकपुर वाली ट्रैक की तरफ था, अब दोनों तरफ टर्मिनल प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। और इस टर्मिनल प्लेटफार्म से अपडेट देते हुए वीडियो से हम वापस जा रहे हैं दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ये टर्मिनल प्लेटफार्म की दूसरी वाली ट्रैक है दोस्तों, यहाँ से ट्रैक डाली जा रही है, और पीलीभीत का जो टर्मिनल प्लेटफार्म बनाया जा रहा है दोनों साइड से, इस हिसाब से प्लेटफार्म नंबर एक काफ़ी बड़ा हो गया है पीलीभीत जंक्शन की। दोस्तों काफ़ी काम पीलीभीत में चल रहा है, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बहुत काम चल रहा है। अगर इसकी वीडियो फुल अपडेट हम अगर देना चाहें तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक डेढ़ घंटे की वीडियो बनेगी और आप लोग उस वीडियो को देखेंगे नहीं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटी छोटी अपडेट जल्दी जल्दी मैं अपने चैनल के माध्यम से पीलीभीत की देता हूँ, क्योंकि मैं पीलीभीत का ही रहने वाला हूँ दोस्तों। पीलीभीत से ही सारी चैनल को अपडेट करता हूँ, और पीलीभीत मैक्स के नाम से ही मेरा चैनल है पीवीटी मैक्स दोस्तों। वैसे रेलवे का तो पीवीई है, लेकिन हमारे पीलीभीत का जो कोड है वो पीवीटी है, इसलिए मैंने पीवीटी मैक्स के नाम से चैनल बनाया और पीवीटी की ही अपडेट देता हूं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स करके बताना। फिलहाल टर्मिनल प्लेटफार्म पर भी काफ़ी तेज़ियों में काम चल रहा है दोस्तों। वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।